अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं पैनल कुर्ती की कटिंग कर रही हूं, तो वीडियो को पूरी एंड तक जरूर देखिएगा। ये इसकी फाइनल लुक है। तो फ्रेंड्स, नेक डिज़ाइन की वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है ताकि हमारी वीडियो लंबी ना हो। और ये हमारे पैनल से इसमें मैंने समोसा डिज़ाइन स्टिच किया है। फुल डिटेल वीडियो है, वीडियो को पूरी एंड तक ज़रूर देखिएगा। जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ये हमारी कुर्ती का फैब्रिक है और ये बनारसी फैब्रिक है। तो फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को मैं सेपरेट कर लूँगी। इसके बाद हम बैक पार्ट को रखेंगे और फिर फ्रंट पार्ट को इस पर रख देंगे। बन साइड हम अपनी तरफ रखेंगे। कपड़े को हम अच्छे से फोल्ड करेंगे। इसके बाद हम अपने फुल लेंथ मेजर करेंगे। जितनी भी आपकी फुल लेंथ होगी प्लस उसमें 1.5 इंच निशान लगा दें। ऊपर की साइड आप शोल्डर का निशान इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लें। नेक्स्ट मैं यहाँ पर अपने शोल्डर की मार्किंग कर रही हूँ 8 इंच, और प्लस हम 1 इंच देंगे यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर पैनल कुर्ती कटिंग कर रहे हैं। और आर्महोल का निशान भी मैं 8 इंच पर दूंगी। और यहाँ से हम इस निशान को सीधा ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारी चेस्ट लाइन होगी और शोल्डर के निशान को हम चेस्ट लाइन से मिला देंगे। इसके बाद हम अपने 1/4 ऑफ चेस्ट का निशान लगा देंगे। और यहाँ से मैं वेस्ट का निशान लगा रही हूँ और यहाँ पर मैं अपने हिप का निशान लगा दूंगी। इन निशानों को भी हम इसी तरह से सीधा ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद वेस्ट राउंड को डिवाइड बाय 4 करें और यहाँ पर निशान लगा दें। हिप राउंड को भी डिवाइड बाय 4 करें और यहाँ पर निशान लगा दें। अब यहाँ से 1 इंच देंगे, क्योंकि हम पैनल कुर्ती कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ से हम चेस्ट, वेस्ट और हिप के साइड से हम 1 इंच देंगे और 2 इंच हम एक्स्ट्रा देंगे कटिंग के लिए और सीम अलाउंस के लिए। और इसी तरह से घेरे के पास भी हम अपना जितना भी घेरा होगा उसकी हम मार्किंग करेंगे और प्लस 1 इंच देंगे, और प्लस 1 इंच देंगे हम चाक की फोल्डिंग के लिए। नेक्स्ट हम यहाँ पर अपनी जो फिटिंग का निशान है हम उसे इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। और ये हमारा मार्जिन है, इसे भी हम इसी तरह से ड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट हम अपने हिप के निशान को घेरे के निशान से मिला देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर फ्रंट आर्महोल की डीप कटिंग देंगे। इस तरह से हम तिरछी लाइन अंदर की तरफ ड्रॉ करेंगे और बैक फ्रंट की दोनों की भी हम आर्महोल की शेप यहाँ पर दे देंगे। पैनल कटिंग करने के लिए 5 इंच पर मैं यहाँ से फोल्ड साइड से निशान लगा रही हूँ पूरा ऊपर तक। शोल्डर से लेकर हम घेरे तक इसी तरह से हम निशान लगा कर इस निशान को हम सीधा ड्रॉ कर लेंगे। तो मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हम इसकी कटिंग करेंगे। शोल्डर से हम इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। इसके बाद मैं पहले फ्रंट आर्महोल की कटिंग करूंगी। इसके लिए मैं 2 पार्ट को लूंगी और फ्रंट आर्महोल की हम यहां से कटिंग कर देंगे। इसके बाद हम बैक आर्महोल की कटिंग करेंगे। बैक आर्महोल हमेशा 1 इंच एक्स्ट्रा होता है, तो 1 इंच का मैं यहाँ पर इस तरह से एक्स्ट्रा कटिंग कर रही हूँ। और यहाँ से हम सेम मार्किंग के अकॉर्डिंग ही इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। नेक्स्ट हम यहाँ पर अपने पैनल्स की भी कटिंग कर लेंगे। पैनल की कटिंग के बाद मैंने एक साइड अपने पैनल्स भी स्टिच कर लिए हैं, तो अभी मैं आपके साथ इसकी स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। तो ये दूसरी साइड का पैनल है, तो इसे हम इस तरह से स्टिच करेंगे। समोसा डिज़ाइन बनाने के लिए मैं यहाँ पर 1.5 बाई 1.5 इंच का मैं यहाँ पर इस तरह से स्क्वायर फैब्रिक ली हूँ। काफ़ी मैंने इस तरह के पीसेस कटिंग कर लिए हैं डिज़ाइनिंग के लिए। इसके बाद हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। ऊपर से मैं 1/2 इंच छोड़ूंगी शोल्डर की स्टिचिंग के लिए, और इसके बाद हम यहाँ पर समोसा डिज़ाइन स्टिच करेंगे। तो इसी तरह से हमें 1 बाई 1 यहाँ पर प्लेस करना है और नीचे दामन तक हमें इसी तरह से स्टिच कर लेना है। समोसा डिज़ाइन सिर्फ हम फ्रंट पार्ट पर ही स्टिच करेंगे, बैक पार्ट हम सिंपल ही स्टिच करेंगे।
तो फ्रंट पार्ट के दोनों पैनल पर हम इसी तरह से समोसा डिज़ाइन स्टिच कर लेंगे। और जब हम नीचे घेरे के पास पहुंचेंगे तो 1 इंच हम छोड़ देंगे, क्योंकि हमें घेरे की फोल्डिंग भी करना होता है। तो यहाँ पर मैंने पूरे समोसा डिज़ाइन स्टिच कर लिए हैं, यहाँ पर मैंने फोल्डिंग के लिए कपड़े को छोड़ दिया है। तो इसी तरह से हम यहाँ पर दोनों साइड पर पैनल स्टिच कर चुके हैं। नेक्स्ट हम साइड पैनल लेंगे, जो हमारे आर्मोर का साइड का पैनल होता है वो लेंगे, और फिर इसे हम इस पर रखकर हम स्टिच करेंगे। तो ये हमारे कपड़े की सीधी साइड है, और पैनल जो हमने स्टिच किया हुआ है वो भी हमारे कपड़े की सीधी ही साइड थी। नेक्स्ट हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो इसके लिए हम इस तरह से कपड़े को 1/2 इंच अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे, और यहाँ पर ऊपर के साइड पर हम दोनों फैब्रिक को जमा कर रखेंगे, और कपड़े को खींचे बगैर दोनों फैब्रिक को हम बिल्कुल आराम से स्टिच करना है। किसी भी फैब्रिक को हमें खींचना नहीं है, वरना हमारा पैनल छोटा या बड़ा हो सकता है। तो इसी तरह से हम कपड़े को 1/2 इंच फोल्ड करते जाएंगे, और नीचे घेरे तक हम इस पैनल को स्टिच कर लेंगे। डिज़ाइन को भी हम बैलेंस करेंगे, जितना हमें समोसा डिज़ाइन बनाना है उतना ही हम ऊपर की तरफ कपड़े को रखकर स्टिच करते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो वीडियो को पूरी एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स।